मयरिया कवने करनवा भुलैलू ना हो। सुनली कि यही राहे गईलू मोरे घरे अइलू ना। निमिया के डाढ़ मैया मोरी डाले ली झूलुआ हो कि झूली झूली ना। निमिया के डाढ़ मैया मोरी डाले ली झूलुआ हो कि झूली झूली ना। जब जब याद आवे दिन बचपन के सब सुख फीका फीका लागे ये मन के। होके गरीब चाहे होके केहू राजा हो, होके गरीब चाहे होके केहू राजा हो, कतही ना मिले लड़कियाँ वाला मजा हो, कतही ना मिले लड़कियाँ वाला मजा हो। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं dilankadehan.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। इस वक्त मैं जौनपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ ख़ास बातचीत करने के लिए ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ इस समय रविंद्र सिंह ज्योति जी मौजूद हैं जो कि लाइमलाइट में आए थे। एक बहुत ही खूबसूरत गाना था मयरिया कवने करनवा, और इसी गाने ने आपको बहुत ज़्यादा फेम दिया, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या कहेंगे इस गाने के बारे में? ये गाना लोगों ने पसंद किया जी, और गाने तो हम लोग बहुत गाए, बहुत सारे गाने हैं, लोगों ने पसंद भी किया है। ये गाना थोड़ा लोगों को ज़्यादा पसंद आया है और ये सुनने में अच्छा भी लगता है। बहुत सारे कॉल आते हैं मुझको इस गाने के लिए, तो ये बहुत लोगों के दिल के करीब है और लोगों की सुबह होती है इस गाने से। लोग फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि भैया सुबह में हम लोग सुनते हैं। और सबसे ख़ास बड़ी बात ये है कि ये गाना बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग महिलाएं तक सुनती हैं। मुझे अच्छा लगता है जब कोई बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बोलता है कि हम आपका मयरिया वाला गाना सुनते हैं। तो ये बताइए, मयरिया वाला ये जो गाना है इसने कितना कुछ बदला आपके जीवन में? बहुत बदला है मेरे जीवन में। जहाँ भी जाता हूँ तो किसी भी शो में जाता हूँ तो मुझे इस गाने को एक बार तो फरमाइश पे गाता हूँ, लेकिन कई बार मुझे गाने पड़ते हैं कार्यक्रम 3 घंटे 4 घंटे के प्रोग्राम में, मुझे 3 से 4 बार इस गाने को गाना पड़ता है। जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे हाँ, आपको लग रहा था ये इतना बड़ा सेंसेशनल बनने वाला है? नहीं, लिरिक्स जब इसका हम लोगों ने देखा तो अच्छा लग रहा था, लेकिन रिकॉर्ड के बाद ये नहीं लगा था कि इतना बड़ा ये हिट होगा, इतना लोग पसंद करेंगे। लिरिक्स में तो एक एक लाइन, चूँकि हम लोग गीतकार लिखते हैं तो इसको हमारे बहुत अच्छे गीतकार हैं मृत्युंजय सिंह सिप्पी ने इस गाने को लिखा है, तो गाने को लिरिक्स जब आया तो गाने में बहुत दम था, बहुत शब्द में इसके वो थे, थोड़ा बड़ा करेक्शन था हम लोगों ने किया उसमें। और फिर जब रिकॉर्ड हो गया तो फिर धीरे धीरे ये लोगों के, चूँकि सरल है बहुत ये गाना, हमारे आपके बीच की बात है और उसको भगवती के ऊपर हम लोगों ने वो किया तो अच्छा लगा लोगों को। आपको लगता है कहीं ना कहीं इस गाने ने आपके आपको जो है लोगों को दिलों में बैठा दिया? ये ऐसा गाना है शायद ये ऐसा गाना है जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप हैं कौन एग्जैक्टली? हाँ, ये सही है आपकी बात जी, लेकिन अब चूँकि अभी ये गाना हिट किया, लोगों ने पसंद किया, आज मार्केट में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ये गाना नहीं बजता है। शादी विवाह डीजे पे भी लोग बजा के इस गाने से शुरुआत करते हैं। और गाने तो बहुत हैं, अब आप चूँकि तमाम गाने आपने गाए हैं, लेकिन ये एक ऐसा गाना जिसे मैं भी खुद सुनता हूँ, जिसका मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रविंद्र जी बताइए, कैसे शुरुआत होती है आपकी, क्या कुछ संघर्ष रहा इस लाइन में आपका? देखिए, मैं तो एक्चुअली गांव का रहने वाला था जी, आज भी गांव से बहुत लगाव है, गांव जाता रहता हूं। और गांव में हम लोगों की शुरुआत रामलीला गांव की पहले बहुत बड़ी परंपरा थी। अब थोड़ा उसमें लोगों का, चूंकि इतना टीवी सीरियल हो गया, इतने प्रोग्राम आने लगे, थोड़ा उसका क्रेज कम हुआ, नहीं तो रामलीला का उस टाइम बहुत क्रेज़ था। हम लोग रामलीला गाँव में करते थे
और गांव में कीर्तन भजन और अगल बगल ऐसे करते गांव से हम लोग निकले, तो कुछ लोग ऐसे मिले कि जिनको लगा, गांव के भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि नहीं आपको थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको गाना चाहिए। तो हम लोगों ने भोजपुरी उस टाइम सुनते थे हम लोग अच्छे अच्छे गाने, तो फिर जब मैं जौनपुर आया तो इस चीज़ को हमने तलाशा और धीरे धीरे सफलता भी मिलती। रास्ता इतना आसान तो नहीं था, नहीं कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल आपको कहते होंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, पीछे आ जाइए, कुछ और कर लीजिए। हाँ, बहुत सारे लोग, कुछ कलाकार भी मिले, बनारस के लोग मिले, बोले कि बहुत टफ है लाइन ये, आप इसको कुछ और करिए, इसमें बहुत हो नहीं। अभी भी लोग कहते हैं कि आप केवल गाना गाते हैं, तो मैं बोलता हूँ केवल गाना गाता हूँ और केवल गाने से ही हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो एकदम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस इंडस्ट्री ने अपनाने के लिए कितना वक्त लिया आपको? बहुत टाइम लगा, अभी टाइम लग भी रहा है, अभी बहुत कुछ करना है तो अभी टाइम लगेगा भी। कैसे शुरुआत हुई, पहला गाना जो आपने रिकॉर्ड किया कौन सा पहला गाना, कुछ बताइए अपनी शुरुआत के बारे में, संघर्ष के दिनों के बारे में। मैं एक कैसेट, मेरा बहुत पहले म्यूजिक क्राफ्ट से मैंने गाया था, शुरुआत में कोई अनुभव नहीं था और लोग मिले तो गाना रिकॉर्ड हुआ। वो गाना बहुत, एक टाइटल था मैया बानी बेसहारा करके टाइटल था, तो बहुत उसमें कुछ नहीं, लेकिन दूसरा कैसेट मैं उसी कंपनी में गाया, तो वो कैसेट थोड़ा सा उस नवरात्र में बनारस जैसे शहर में थोड़ा बजा, तो उस कैसेट ने थोड़ा सा मुझे रिस्पांस किया, फिर हम लोगों ने चुनरिया ओढ़ के गाया। उसमें एक गाना था मेरा जो मैंने पहला एल्बम गाया था, वो बहुत पसंद है जी, सुना दीजिए। लोगों को पसंद आया था, उसी से हमको लोग थोड़ा सा जानने लगे कि नहीं रविंद्र ज्योति कोई गायक आया है। उसमें ये था कि कदली के बनवा सिक्कियो ना डोले आजाद बनवाना, कदली के बनवा सिक्कियो न डोले आजाद बनवाना, कि मैया मोरी खेले ली अहेर हो आजाद बनवाना। ये गाना थोड़ा सा लोगों को पसंद आया। तो ये पहला गाना जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, हाँ जहाँ से आपको लगा कि हाँ मैं इस इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित कर सकता हूँ, अच्छा लगा। तो फिर इसके बाद दूसरा एल्बम हम लोगों ने उसके बाद गाया चुनरिया ओढ़ के। चुनरिया ओढ़ के एल्बम बहुत बजा, मतलब इतना बजा, हम और यहाँ के एक प्रतिष्ठित सिंगर थे, आज नहीं है वो धरती पे, एक्सपायर हो गए, स्वर्गीय राकेश पाठक मधुर, हम दोनों लोग मिल करके एक टाइटल गाए थे चुनरिया ओढ़ के। उसमें वो टाइटल इतना हिट किया, अब शायद आप सुने कि नहीं सुने, कि एक 3 से 4 साल अनवरत वो गाना किसी भी पंडाल में वो बजता था, तो उससे हम लोगों को बहुत मतलब प्रसिद्धि मिली, उस गाने से लोग जानने लगे। तो उसमें क्या है, हम दोनों लोग एक ही साथ गाए थे, 4-5 गाने मेरे थे, 4-5 गाने राकेश भैया के थे, तो वो गाना खूब बजा, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने थे। चुनरिया ओढ़ के टाइटल सॉन्ग था जिसको पाठक जी ने गाया था। इसके बाद उसमें द्वापर त्रेता, मेमोरी मैया, जब तलवार उठा के माई, चंदा मामा, ये सब गाने मेरे थे, बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया। फिर एक गाना इसके बाद दूसरा एल्बम हम लोगों ने टी सीरीज में गाया, भवानी आई रे, उसमें भी हम और राकेश भैया दोनों लोग मिल के गाए थे। तो उसमें एक गाना मेरा था, भवानी आई रे टाइटल है जी। पहली बार जैसे आप भगवती का श्रृंगार हुआ है तो आपको लगता है कि मूर्ति खूब सजी है, और मूर्ति तो बोलती नहीं, लेकिन मैंने गाया था वो गाना, लोगों को बहुत पसंद आया जी। बड़ा बड़ा पंडाले लगल बा, माई के मूर्ति यस हो सजल बा, बड़ा बड़ा पंडाले लगल बा, माई के मूर्ति यस हो सजल बा, जैसे तनिक में माई आँख खोल दी, जैसे तनिक में माई आँख खोल दी, लागे माटी के मूर्तिया बोल दी। ऐसा लगा कि जैसे माँ भगवती इतना श्रृंगार हुआ है, अभी ये मूर्ति बात करेगी। ये भी गाना खूब लोगों को पसंद आया और आज भी हम लोग प्रोग्राम में इन सब गीतों को गाते हैं। एक लंबा वक्त बीत गया आपका इस इंडस्ट्री में जी, जब शुरुआत हो रही थी तो कभी ऐसा लगा था कि छोड़ते हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ और कर लें? और परिवार का किस तरीके से समर्थन था आपको? नहीं, ये तो नहीं लगा कि इसको छोड़ना है,
क्योंकि कभी मेरे अगल बगल के लोगों ने या जो मुझे सुना, मैं जरूर नया था, मुझे गाने का अनुभव नहीं था, प्रोग्राम का अनुभव नहीं था, लेकिन ये चीज़ हमको कभी कोई नहीं बोला कि आप गाना छोड़ दीजिए। हमको लोगों ने, कई लोग मिले, बोले भजन आप जरूर गाइएगा, गाने कुछ भी गाइए लेकिन आप भजन जरूर गाइएगा। और हर प्रोग्राम में हमको ये लोग मिले कि नहीं, आपको गाना चाहिए, आप गाइए और आपको जरूर मुकाम मिलेगा। लोगों ने उत्साह, हाँ, कभी भी मुझे ये नहीं लोगों ने बोला कि आप प्रोग्राम मत करिए, आप गाना मत गाइए, आप नहीं सफल हो पाएंगे, ऐसा मुझे कभी। परिवार परिवार का किस तरीके से समर्थन? परिवार का शुरुआत में तो जैसे घर के लोगों ने ये नहीं समझ पाए कि, क्योंकि गांव से मैं आया था और लोगों को ये नहीं पता था कि ये चीज़ें इतनी बड़ी हैं, इसमें इतना स्कोप है, तो लोगों को ये था कि अब यह गाना बजाना हो, मतलब इस तरह की बातें होती थी। कीर्तन रामायण हम लोग करने जाते थे तो लोगों को बुरा लगता था कि लोग अब यह खाली गई हैं, बजी हैं, घूम घूम कीर्तन करी हैं, ये तरह के बात गाँव में हो, है ना। घर ने जिंदगी बदली, हाँ, और कीर्तन रामलीला ने हमको एक प्लेटफार्म दिया, मेरे मन के उसको, अंदर के संगीत को जगाया, तो फिर हमने बाहर निकल के कुछ किया। आपके फैन कहते हैं आपका चेहरा मनोज तिवारी से मिलता है, हाँ, कभी सोचा नहीं कि इंडस्ट्री में जाके अपने आप को एक एक्टर के तौर पे पेश करें? ये तो सही है, कहीं भी प्रोग्राम में जाता हूँ, कितने कॉल अभी आते हैं तो बोलते हैं मनोज भैया से बात हो रही है, बहुत सारे कॉल आते हैं, हाँ। तो मैं बोलता हूँ नहीं, मनोज जी का नंबर, बोले गाना से हमने नंबर दिखा है, अभी उस पर लिखा हुआ है, तो हमने क्या बोला कि क्या पढ़े हैं आप, उस पर क्या लिखा हुआ, बोले मनोज तिवारी का गाना सुन रहे हैं, मयरिया सुन रहे हैं, तो उनको मैं बताता हूँ कि नहीं, उसको नाम फिर से पढ़िए आप, नाम उस पर रविंद्र सिंह ज्योति लिखा होगा, तो बोलते नहीं ऐसा, लोगों को मतलब विश्वास नहीं होता है। और मंच पे जब हम लोग खड़े होते हैं तो मैक्सिमम जो दूर गए हम लोग, तो जो नहीं जान रहा कि कौन आया है, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, फिर लोग पूछते पाछते हैं, बात होती है तो जान पाते हैं। रविंद्र जी कभी सोचा नहीं कि एक्टिंग करते हैं, फिल्मों में आते हैं? नहीं, फिल्मों का चूँकि इस तरह का क्रेज हो गया है, सब फिल्में भोजपुरी में इस तरह की बन रही हैं कि हम लोग को थोड़ा सा उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। फिल्में कुछ पारिवारिक बने, कुछ अपने भोजपुरी के जो हम लोगों की मिट्टी है, जो जिससे हम लोग आए हैं, जो हमारी परंपरा है, उससे जुड़ा हुआ कुछ काम हो तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं, निश्चित तौर पर। हाँ, क्या कुछ बदला है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तब में और अब में, अगर 90 के दशक से बात करें जब आपने शुरुआत करी थी? उस टाइम तो भोजपुरी कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, गिने चुने सिंगर थे, भरत जी, मदन राय, लेकिन जो था सॉलिड था, हाँ, एक अच्छा नाम था और लोग उसको अच्छी दृष्टि से देखते थे भोजपुरी को। थोड़ा सा इधर भी चाह करके भोजपुरी में कुछ कलाकार आए, अच्छा करते हैं, उसी में कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे भोजपुरी को थोड़ा सा नुकसान होता है। अभी कहीं बोली कि मैं भोजपुरी गाता हूँ तो उनको कहते तो हैं, लेकिन लुक की अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक सब जरूर बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी में तो बहुत दिक्कत हो गया, अभी बहुत अश्लीलता आ गई है, तो थोड़ा झेपना पड़ता है कि नहीं। ये उस वक्त में इतना कुछ नहीं, नहीं, उस वक्त एक दो कलाकार थे जो गाते थे, लेकिन अभी उनको देखा जाए तो आज के डेट में उनका कहीं कोई पता नहीं है, और जो उस समय अच्छा गाते थे वो आज भी मार्केट में है, उनको अच्छी दृष्टि से लोग देखते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि गंदे गानों से थोड़ा सा आपको तुरंत हो सकता है कुछ लोग जान जाए, लेकिन उसका लाइफ नहीं कोई है, आप भविष्य में मात्र है। हाँ, बस लंबे बस थोड़ा ही दिन के लिए नहीं कर सकते। अब चूंकि नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, कुछ पुराने गायक थे, बहुत सारा गाने लोग गाए उस समय, और लेकिन आज उनको कोई सुनने वाला नहीं है। एक कलाकार के लिए स्टेज कितना मायने रखता है और स्टेज शो करना कितना मायने रखता है? स्टेज कोई भी हो, चाहे वो भोजपुरी हो चाहे बॉलीवुड हो, सब में स्टेज का बहुत रोल है। और हम स्टेज पे जाते हैं तो मुझे पब्लिक से मुलाकात होती है, पब्लिक को समझने में आता है कि पब्लिक किस तरह से हमको देख रही है, मुझे क्या चेंज करना चाहिए, मैं क्या गा रहा हूँ, वो मुझे लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो स्टेज बहुत ज़रूरी है। स्टेज आज के वक्त में आप देखेंगे तो कम हर ज़िले में आपको एक दो कलाकार मिल जाएंगे, अच्छे कलाकार मौजूद हैं इस टाइम पे। बिल्कुल, समस्या ये है कि वो जल्दी सफल होना चाहते हैं और जल्दी सफल होने के लिए वो शॉर्टकट अपना रहे हैं, कुछ भी गाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? अब उन वो भी ऐसे लोग भी एक दो गाने गाते हैं अश्लील, और ऐसा नहीं कि हर अश्लील गाना लोग सुनते भी हैं, कभी कभी उसको भी नहीं सुनते हैं, तो वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं, पूछते हैं कि भैया कैसे क्या किया जाए, वो मेरे पास भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अगर क्रेज लेनी है, आपको अगर नाम कमाना है, तो गाने अच्छे आपको गाने पड़ेंगे,
और स्ट्रगल के साथ साथ कंपटीशन भी बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार मार्केट में आ गए हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो अश्लीलता थोड़ा सा निकालना पड़ेगा अपने को इंडस्ट्री से। जो ऐसा भी नहीं कि जो आज गा रहे हैं इंटरटेनिंग गाने गा रहे हैं वो अच्छे गाने नहीं गा सकते, ऐसा नहीं, वो गा सकते हैं, लेकिन अर्थ युग है, थोड़ा सा लोग बहके हुए हैं, लेकिन लेट होगा, लेकिन लोग आएंगे वापस, हाँ, उसी ट्रैक पे आना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। आप मुझे ये बताइए, एक लंबा वक्त आपका बीत गया है जी, कैसी रही आपकी ज़िंदगी? खुश हैं जो कुछ भी किया आपने अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ भी गाया, जहाँ कहीं भी गए, सेटिस्फाई हैं कि नहीं? नहीं, मैं एकदम खुश हूँ, और अभी तो बहुत कुछ करना है। खुश मैं इसलिए हूँ कि हमने जो किया लोगों ने पसंद किया, और ठीक है अश्लीलता के कुछ गाने ऐसे हैं लोगों ने गा के प्रसिद्धि ले लिया, लेकिन अगर मैं कभी आपने नहीं सोचा कि ऐसा करते हैं छड़ी? ऐसा नहीं, सडन कोई शुरुआत मेरा जब हुआ तो कुछ लोगों ने राय दिया कि गावा वो गावा, लेकिन शुरू से ही पता नहीं क्यों मन में ये सब चीज़ें नहीं आई और हमने नहीं गाया, और आगे भी तो अब तो कोई मतलब नहीं है, एक अपना एक अलग प्लेटफार्म है, अब वहाँ से कोई ऐसी चीज़ परोसना अच्छी बात नहीं होगी। और लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि जो संगीत में अश्लीलता और एक नॉर्मल हम लोग जैसे जो कलाकार हैं, जब आप एक प्लेटफार्म में खड़े होते हैं तो सम्मान जो लोग हम लोगों का करते हैं, वो मुझे लगता है कि अश्लीलता के जो गायक हैं, जो उटपटांग गा रहे हैं, उनको नहीं मिलता। जिस तरीके से अश्लीलता तेज़ी के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, अभी आपने देखा हाल ही में खेसारी लाल यादव का मामला आया, उन्होंने जो गाना गाया उसके जवाब में जिसने गाना गाया, क्या कुछ कहेंगे ऐसे कलाकारों के बारे में? कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति सभ्यता, पहले के जो लोग गायक होते थे उनके जो गाने होते थे वो संस्कृति सभ्यता को समर्पित होते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये खिलाफ है, हमारे समाज के भी खिलाफ है। कुछ ऐसे गाने आ रहे हैं जिन्हें अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ऐसे गाने शादियों में बजाए जा रहे हैं, लोग बजा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कोई एक सही संदेश नहीं जा रहा, सकारात्मक संदेश नहीं जा रहा है। क्या कहेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में फैले इस अश्लीलता के बारे में? देखिए, गाने जो बन रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं कि गाने बज रहे हैं तो लोग बना रहे हैं, थोड़ा अपने लोगों को भी वो करना पड़ेगा कि पब्लिक अगर सुनती नहीं तो शायद वो लोग नहीं गाते, पब्लिक भी सुन रही है इसलिए वो लोग गा रहे हैं, तो थोड़ा पब्लिक को भी अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों से, और अच्छी चीज़ों को सुनना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि अच्छी चीज़ लोग नहीं सुन रहे, अगर नहीं सुनते तो मेरा मैरिया, माटी की मूर्तियाँ, चिरई रहती जे हम मैरिया, भी मेरा गाना बहुत लोग पसंद किए, कम से कम 30-30 मिलियन व्यूज़ हैं आपके, तो ये मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल नहीं है ये, तो मतलब एक चैनल पे है, बाकी प्राइवेट चैनल पे आप इतने गाने को उसको पाएंगे कि आपको 10-10 मिलियन 15-15 मिलियन ऐसे डीजे बना के लोग डाले हैं, तो गाना तो बहुत सुना गया है ये। और रही बात तो अश्लीलता की, आपने बात की कि खेसारी वगैरह ये सब, तो वो लोग भी अच्छा गाए हैं, बहुत सारे गाने हैं जो खेसारी ने भी गाया है, अच्छे गाने भी हैं, लेकिन बीच में जो चीज़ हुआ इससे थोड़ा सा नुकसान बहुत हुआ भोजपुरी को, और जिस तरह के टाइटल उन लोगों उन्होंने दिया तो उसके रिएक्शन में भी कुछ लोगों ने ना समझी से भी कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इससे भोजपुरी का बहुत नुकसान हुआ। कुछ कलाकार जिनके लिए भोजपुरी के मायने थे, जो भोजपुरी को अपना माई बाप मानते थे, कहीं ना कहीं वो इन गानों की वजह से शायद उनको वो फ्रंट नहीं मिल पाया जो फ्रंट उन्हें मिलना चाहिए था, वो फ्रंट वो लाइमलाइट कोई और चुरा के ले जा रहा है, कुछ उल्टा सीधा गा के, कहीं ना कहीं एक तरीके से सौतेला व्यवहार तो है। ज़रूर है, आप एकदम सही कह रहे हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने दिन रात करके गाने लिखे, ऐसे लोग जिन्होंने दिन रात करके उसे रिकॉर्ड किया, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो दो मिनट बैठ के कुछ भी उठ पटांग लिख देते हैं और पटांग रिकॉर्ड कर देते हैं, तो क्या, और लोग उन्हें सुन भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये भी वजह है कि जो बड़े कलाकार हैं या जो कुछ बेहतर कर सकते हैं वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हैं, जनता को शायद इस विषय पर सोचना चाहिए, क्या लगता है? हाँ, मैं ये बात बोला आपको कि इंटरटेनिंग गाने होने चाहिए, चूँकि सुबह से लेकर के शाम तक का जो वक्त है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, तो हमारे दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जी, है ना, तो हम हर वक्त में भजन नहीं सुन सकते, ये ठीक है, लेकिन हर समय का इंटरटेन अलग अलग होता है आदमी के जीवन का, इंटरटेन होना चाहिए, गाने उस टाइप के होने चाहिए, लेकिन इंटरटेन इस तरह का हो कि हम सब लोग बैठ के सुन सकें, एकदम अस्तर गिर नहीं जाना। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत है। रविंद्र जी,
गांव का आपके लिए क्या मायने हैं, गांव आपके लिए कितना मायने रखता है, गांव के लोग क्या कुछ कहेंगे? मैं एक आपको गाना सुनाऊंगा। जी जी, जब गांव की बात है तो बिल्कुल बिल्कुल। जब जब याद आवे दिन बचपन के, सब सुख फीका फीका लागे ये है मन के, होके गरीब चाहे होके केहू राजा हो, होके गरीब चाहे होके केहू राजा हो, कतही न मिले लड़कैया वाला मजा हो, कतही न मिले लड़कैया वाला मजा हो। अने तो बचपन गांव से है और गांव की याद सबको आती है, और लौट के लोग गांव जाते भी हैं। थोड़ा समय जब बीत जाता है तो गांव से कोई अलग नहीं हो सकता, आज जो कुछ भी है सब गांव से ही मिला है। और भोजपुरी में जब गांव की बातें नहीं होंगी तो फिर भोजपुरी लंदन का तो है नहीं, ये गांव की भोजपुरी है, तो गांव की बात करनी पड़ेगी हमको। क्या कुछ स्कोप है, क्या कुछ करना चाहते हैं आप भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, और आपकी क्या कुछ प्लानिंग है? नहीं, मैं तो अभी जो कर रहा हूँ उसको इसी तरह आगे बढ़ाना है, और कुछ और गीतों को मुझे गाना है जो जिससे समाज को एक दिशा मिले। क्योंकि जब आपको लोग सुनना पसंद कर दें तो आपका ये धर्म बनता है कि आप उन श्रोताओं के माध्यम से लोगों में कुछ आप दें। तो अभी मैं प्रयास में हूँ कि अच्छे अच्छे गीतों को मैं गाऊँ। शुरुआत कैसी हुई, कहाँ से सीखा आपने? मैं तो आपको गांव की बात बताया कि मैंने गांव में रामलीला कीर्तन किया, इसके बाद फिर मैं जौनपुर शहर में आया तो एक ये होटल रिवर व्यू है गोमती नदी के किनारे, वहाँ एक बाबा जी हैं पंडित राम रतन दास महाराज, हनुमान मंदिर के महंत हैं, तो उन्होंने मुझे शुरुआती शिक्षा उन्होंने मुझे दी। फिर टीडी कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे संगीत के पंडित राम प्रताप मिश्रा जी, आज वो नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुला के शिक्षा दी। फिर उनके पुत्र, बड़े पुत्र बल्ला भैया, अंजनी गुरुजी, सभी लोगों ने शिक्षा दी, और फिर अभी भी उन लोगों के पास जाता हूँ, सीखते रहता हूँ। और सीखने का क्रम अभी बंद नहीं हुआ है? नहीं नहीं, वो तो बंद होगा ही नहीं, वो बंद हो गया तो फिर आपका संगीत बंद हो जाएगा। रियाज और सीखना ये बंद नहीं हो सकता। एक कलाकार की ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी होती है? कलाकार थोड़ा सा क्या है कि जब आपका नाम हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको बचानी पड़ती हैं, पब्लिक में आप इस तरह नहीं जा सकते, और कुछ घरेलू वर्क हैं वो भी करना है, तो बहुत सारे काम है उसको बचा के आदमी करता है। मैरिया ने आपको बहुत बड़ा फेम दिया, आपको बहुत बड़ा नाम दिया, तो अब उसके बाद से आप बहुत बिजी भी रहने लगे, बहुत सारे प्रोग्राम आपके पास है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास हैं, तो बहुत सारे लोग आपको फ़ोन करते होंगे, शायद आप फ़ोन नहीं उठाते होंगे, कहते होंगे कि आप बदल गए हैं, क्या कुछ हुआ है, ऐसी बातें भी होती होंगी? नहीं, मैं फ़ोन तो सबका उठाता हूँ, और कुछ लोग फ़ोन करते हैं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये चलन में है कि मेरा नंबर जो पहले था वो आज भी है, भले नंबर दूसरा मैंने लिखा है वो भी नंबर मेरे पास है, तो उस पर कॉल आती है तो लोग ये कहते हैं कि मैं चेक कर रहा था कि नंबर आपका है कि दूसरे का है, तो इससे लगता है कि बहुत सारे लोग नंबर अपना बदल देते होंगे जब थोड़ा सा नेम फेम होता होगा, लेकिन मेरा नंबर वो है, आज भी बात होती है। कभी लगा था ये कुछ होने वाला है, क्योंकि कलाकार बहुत हैं उत्तर प्रदेश में, कलाकारों की भरमार है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी को नाम मिल जाए, पहचान मिल जाए, रुतबा मिल जाए, आपको सब कुछ मिला, जनता ने दिया, भगवान ने दिया, आपके कर्मों ने दिया, कभी लगा था कि ये सब कुछ होने वाला आपके साथ? नहीं, मैं उम्मीद लेके तो शुरू ही किया था, मुझे ये था कि नहीं मैं करूँगा, और बीच में कभी कभी थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आई तो ये लगा कि कैसे होगा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा, करता गया, और लोगों ने दिया है तो समझा होगा कुछ, उनको लगा होगा कि नहीं इसको सुनना चाहिए, तो सुने लोग, आशीर्वाद दिए। पहला गाना जो किसी बड़े स्टेज पे आपने गाया था? मैं याद है गाने कोई गाना तो याद नहीं, लेकिन एक स्टेज पे जो प्रोग्राम होता है गाँव से हट के, तो मैं यहाँ पे आप जानते भी होंगे बहुत सिद्ध पीठ है माँ भगवती का, शीतला मैया का, चौकियाँ धाम, तो वहाँ पे श्रृंगार में मैं अपना पहला प्रोग्राम तो मेरा नहीं था, प्रोग्राम तो स्वर्गीय राकेश पाठक मधुर भैया का था, उसमें मैं एक दो गाने शुरुआत में गाया,
तो वहाँ पे लोगों ने बहुत पसंद किया, हाँ बहुत मिला, मतलब सुबह से शहर में चर्चा हुई कि पाठक जी के साथ एक रविंद्र ज्योति नाम का लड़का आया था, वो गाया, बड़ा अच्छा लगा लोगों को। तो थोड़ा सा एक मुझे लाइनें हो जाए उस गाने की, अगर आपको आपके स्मरण में हो। नहीं वहाँ पे तो मुझे उस टाइम याद नहीं है, लेकिन मैं जी चूँकि शीतला माँ का अगर नाम आता है तो एक बहुत प्यारा गीत है जिस गीत को लोग गाते हैं, हम लोग भी मंच पे गाते हैं उस गीत से बहुत कुछ मिलता है। तो उस माँ के चरणों में ये भजन पचरा जी। निमिया के डाढ़ मैया मोरी डाले ली झूलुआ हो की झूली झूली ना, निमिया के डाढ़ मैया मोरी डाले ली झूलुआ हो की झूली झूली ना, तो मैया मोरी गावे ली गीतिया हो की झूली झूली ना। ये पचरा माँ को हम लोग अक्सर गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो शुरुआत इसी से करते हैं आप स्टेज से? हाँ मैक्सिमम हम लोग करते हैं इन सब गानों को हम लोग गाते हैं। मैं मैरिया हो जा थोड़ा, जिसने आपको इतना बड़ा पहचान दिया, जिसका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ ये तो गीत बहुत अच्छा है, आपके दिल के सबसे करीब होना चाहिए गीत। ये गाना बहुत अच्छा है और जो हम लोग गाते हैं तो ये लगता है कि नहीं इसको कोई सुन रहा है, ये हमेशा सुखद होता है इसको गाना। मयरिया कवने करनवा भुलैलू ना हो, भुलैलू ना हो, भुलैलू ना, सुनली कि यही राहे गईलू मोरे घरे अइलू ना, सुनली कि यही राहे गईलू मोरे घरे अइलू ना। एक इसकी जो लाइनें हैं जी, क्योंकि आप इस गाने को सुन के ही मेरे पास आए हैं निश्चित तौर पे, इस गाने ने तो एकदम आपका ये चैनल मैंने सर्च किया जब आपका फोन आया तो जी। नाम मुझे बहुत अच्छा लगा जी। कि आप लंका दहन करने वाले हैं तो लंका दहन कोई हनुमान ही कर सकता है जी। तो आप समाज को कुछ देंगे, कुछ अच्छी चीज समाज में दीजिएगा, तभी इस चैनल का नाम जो रखे हैं आप वो लंका दहन हो पाएगा। तो उस लंका दहन में विभीषण की कुटी बचे जी, है ना, विभीषण बच जाए, बाकी सब जो राक्षस हैं वो हो जाए जी। अच्छी चीजें आप दिखाएंगे। इसकी लाइनें वो भक्त कहता है कि माँ कि सूरज देव से पहले अखिया हम खोली लाए मैया, सुकवा से पहले जय माता दी हम बोली लाए मैया, खबरिया कवने करनवा पठैलू ना हो, पठैलू ना हो, पठैलू ना, सुनली कि यही राहे गईलू मोरे घरे अइलू ना, सुनली कि यही राहे गईलू मोरे घरे अइलू ना। क्या बात है, बहुत प्यारा गीत है, जब भी इसे सुना जाता है तो नया लगता है, हर बार नया हाँ। होता है ये गाना हर इंसान। जो मैंने निमिया का डाढ़ सुनाया ना गाना जी, पचरा माँ का जी, ये एक समय आएगा तो ये भजन उसी कैटेगरी में शामिल होगा, हम रहें या न रहें, लोग इस गीत को कभी पारंपरिक गीत बनाएंगे और बोलेंगे कि नहीं ये भगवती का पारंपरिक गीत है। युगों युगों तक हुआ है ही, पहले इसी से शुरुआत होने लगी बहुत लोगों पे, बिल्कुल, घर घर में ये गाना है और जब भी कुछ होता है तो एक बार इसे ज़रूर बजाया जाता है। बिल्कुल, और गाने के जो लिरिक्स हैं, जो गहराई है और आपकी जो आवाज़ है उस गाने में, वो एकदम मतलब पूरी तरह से संपूर्ण है वो गाना, अपने आप में कंप्लीट है वो गाना, अच्छा लगता है। आपने गाना गाया था, आपको याद होगा या नहीं, कृष्ण और सुदामा की मित्रता के ऊपर एक गाना आपका आया था, वो भी काफ़ी हिट किया था, अगर उसकी कुछ लाइनें आप दर्शकों को सुना पाए। हाँ अभी वो गाना वीडियो भी करना है जी जी, वो मेरा एक चैनल मैंने भी जो अभी शुरुआत में डाला है माई ट्रैक्स करके जी, उसी पे वो गाना है, ऑडियो है, ऑडियो लोग पसंद कर रहे हैं जी, वीडियो हो सकता है कि जन्माष्टमी से पहले वो आ जाए, उपलब्ध होगा, वो भी बहुत अच्छा गाना है जी, लिरिक्स मैंने सुने हाँ जबरदस्त है।
जो मित्र को राजा अपने आप को, जो मित्र को राजा अपने आप को जान के दीन बनाया, कोई मित्र सुदामा जैसा अब तक ना जग में आया, कोई मित्र सुदामा जैसा अब तक ना जग में आया। जो मित्र को राजा अपने आप को जान के दीन बनाया, कोई मित्र सुदामा जैसा अब तक ना जग में आया। ये बहुत अच्छा ये भी गाना, या लिरिक्स जो है बहुत लाजवाब है। रविंद्र जी थोड़ा ये बताइए, आप गाना गाते हैं, लिरिक्स आपको मिलता है, थोड़ा उन लोगों के बारे में बताइए जो लिरिक्स लिखते हैं, जो पर्दे के पीछे होते हैं। देखिए, मैं बहुत सेलेक्टेड गीतकारों के गीत अभी तक गाए, और सबसे अच्छी बात है कि जिनसे मैं, जिन लोगों से अपने गायकी की शुरुआत किए उनके गीतों से, मैं आज भी उन्हीं लोगों के साथ काम करता हूँ। मैं, मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई जैसे हैं मृत्युंजय सिंह सिप्पी, जिन्होंने इन सब गानों को लिखा है। मेरे गांव के एक मुकेश सच्छाना प्रेम, जो बनारस में रहते हैं, और बाद में इसके बाद एक जेडी बहादुर भैया हैं जो जौनपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन आज बहुत नाम है उनका, उनके गाने ट्रेंड्स में चल रहे हैं म्यूजिक यूट्यूब में। तो जेडी बहादुर भैया, और जो भी मैं ये आपको सुनाया गाना सुदामा और कृष्ण का, ये एक गीतकार राणा सिंह हैं गाजीपुर के, ये चार पांच लोगों के गीत मैं अभी भी गा रहा हूँ, अभी सावन में भी मैं कुछ गीत गा रहा हूँ इस तरह के। तो सब हमारे, ये जो मेरी मेन बॉडी है, गीत तो बहुत ज़रूरी है, जब गीत नहीं रहेगा तो आप गाना क्या गाएं। हाँ, तो ये बहुत अच्छे सेलेक्टेड गीतकार हैं, आज इनके गीतों को लोग गाने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हैं कि मैं गाऊं, और मैं इन्हीं लोगों के गीत गाता हूँ। काफ़ी इनके काफ़ी गाने आपके हिस्से में आए हैं, बहुत बहुत आगे भी हैं, और सौभाग्यशाली हैं। हाँ, मैं ये सौभाग्यशाली भी हूँ, और भगवती से कृपा करूँ। एक सिंगर को पड़ा बनाता है, कल लिरिक्स ठीक मिल जाए हाँ तो शायद बात बन जाती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर लिरिक्स अच्छा है जी तो इसके बाद सारी चीज़ें आती हैं, प्लेटफार्म वही है। अगर गीत अच्छा नहीं है तो म्यूजिक बहुत अच्छा होगा तो लिरिक्स लोग सुनते हैं, तो वो नहीं अच्छा रहेगा तो म्यूजिक से केवल, क्योंकि भोजपुरी में लिरिक्स का बहुत रोल है, क्योंकि डीजे तो हम बना नहीं रहे, हम ब्रेक वो आजकल जो रैप वगैरह वो तो बना नहीं रहे हैं। भोजपुरी हमारा ढोलक हारमोनियम तबले और इस पर सब गाने वाला गीत है, तो उसमें लिरिक्स हमारा सुनाई देता है मैं क्या कह रहा हूँ। लिरिक्स बहुत मैटर, बहुत मैटर रखता है। एक वक्त था कैसेट का, अब वक्त है यूट्यूब का, कितना बदला यूट्यूब ने। जब ये ऑडियो का ज़माना था, वीडियो भी नहीं आता था, तब से हम लोग गा रहे हैं। ऑडियो कैसेट आते थे तो वो उसमें केवल ऑडियो रहता था, फिर ये वीसीडी वाला सिस्टम आया तो वो वीडियो चलने लगा मार्केट में, और फिर एक टाइम आया कि ऑडियो और वीडियो दोनों बंद हो गया, उसको कोई सुनता ही नहीं था, कोई कैसेट खरीदता ही नहीं था। तो हम लोग उस मुश्किल दौर रहा होगा, वो बहुत मुश्किल दौर था। हम जो अभी नाम लिया मैं जेडी भाई से, जेडी बहादुर भैया से, हम लोग चर्चा करते थे कि भैया क्या होगा आगे, अभी ऑडियो कोई खरीद नहीं रहा है, वीडियो सीडी प्लेयर भी अब कूड़े में गया, अभी कोई उसको भी नहीं रख रहा है। तो बोले कि भैया कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, अभी वो समय आने वाला है।